इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभिभावकों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कोरोना काल के दौरान स्कूल द्वारा ली गई फीस को 15% माफ करने का आदेश जारी किया है। फीस से जुड़े मामले आज पहली बार नहीं उठे हैं। मिडिल क्लास व्यक्ति की जेबें इससे पहले भी कई बार ढीली की गई हैं। इसमें कई बार मुख्य भूमिका स्कूल कमेटी की संस्थाओं का है, जो स्कूल की तरफ से अपनी बात सरकार के सामने रखती हैं। दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन, अनएडेड प्राइवेट स्कूल एक्शन कमेटी और ऐसी कई संस्थाएं जो कि सरकार से फीस वृद्धि के मामले में कोर्ट तक गई और बकायदा केस जीता ही नहीं बल्कि स्कूल ने फीस भी वसूली। अब आप समझ सकते हैं कि एक आम व्यक्ति जिसकी मूलभूत जरूरतों में अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दिलाना है और वहीं घर किसी तरह चल जाए, यही उसके लिए बड़ी बात है। वह कोर्ट कचहरी जैसे इन सब झमेलों में कैसे पड़ सकता है। वहीं ये संस्थाएं अपनी बात अच्छी तरीके से रख देती हैं क्योंकि इनके पास फंड और रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है जिससे इन्हें दिक्कत हो। वहीं यूपी का एक मामला जिसमें कोरोना के संकट काल में योगी सरकार ने एक आदेश निकालकर सभी प्राइवेट स्कूलों में एक साल के लिए फीस वृद्धि पर रोक लगा दी थी, साथ ही वाहन शुल्क भी लेने पर रोक दिया था, जिसके खिलाफ एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल उत्तर प्रदेश ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा था कि हम लोग लॉकडाउन में अभिभावकों की परेशानी समझ रहे हैं, लेकिन स्कूलों की परेशानी भी सरकार को समझनी पड़ेगी।